नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री व जिला प्रभारी ने कोऑपरेटिव बैंक के 70वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह 2023 के अवसर पर सहकारी समितियों के डिजिटीकरण हेतु प्रौद्योगिकी एवं अंगीकरण एवं उन्नयन विषय पर एनेक्सी भवन के सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार की सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर योजना चल रही है। इससे हमारी आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और हम लोग कम पूंजी में लोगों के सहयोग से बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेटिव बैंक को होगा। उन्होंने बताया कि निश्चित समय से मांग से भी ज्यादा मेंबर बने हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों को रुचि है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। हमारा हर प्रकार का सहयोग इसी तरह कोऑपरेटिव बैंक को मिलता रहेगा। इस अवसर पर कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन जितेंद्र बहादुर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। यूपीसीडी के अध्यक्ष भी हैं अध्यक्ष आदरणीय वाल्मीकि त्रिपाठी जी, सीडीओ गोरखपुर आदरणीय संघ वहां के सांसद हमारे वहां योगी आदित्यनाथ जी को भेटो। पब्लिक परसेप्शन एक दिन में नहीं बनता, इसके पीछे एक लगातार बहुत बड़ी तपस्या है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक केवल उनका एक ही एजेंडा है कि उत्तर प्रदेश के हर वर्ग में आम आदमी को उसके हालात कैसे बेहतर हों और उत्तर प्रदेश किस प्रकार से सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसी एजेंडे पर उन्होंने काम किया और उसका प्रभाव सभी तरफ देखने को मिला। ये सही है कि 6 जुलाई 2021 कोऑपरेटिव मंत्रालय अलग से हुआ और आदरणीय अमित शाह जी को उसका प्रभाव सौंपा गया। अभी तक जो कोऑपरेटिव की स्थिति थी हम उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छी नहीं थी। लोगों को कोऑपरेटिव के ऊपर विश्वास नहीं था। अगर विश्वास होता कोऑपरेटिव पर तो हमारी समस्या ये बैंक की शाखाएं दूनी तभी हो गई होती। और आपको मालूम है कि जिसकी जड़ें गोरखपुर में है 1,12,00,000 लोग। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व जिला प्रभारी सुरेश खन्ना ने कहा, आज तक सहकारिता मूवमेंट को बड़े पैमाने पर विस्तार देने की योजना है। इससे हमारी आर्थिक गतिविधियां मजबूत होंगी और खास तौर से कम पूंजी में लोगों के सहयोग से हम बड़ी बड़ी योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा कोऑपरेटिव का मिलता है। मुझे खुशी है कि जो लक्ष्य हमारी प्राथमिक सोसाइटी में या साधन सहकारी समिति में हमारे मेंबर बनाने का रखा गया था, उससे कहीं अधिक मेंबर्स हमारे लक्षित समय में बने हैं। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि लोगों को रुचि इस क्षेत्र में कितनी ज़्यादा है और लोगों का विश्वास बढ़ा है। खास तौर से जो अंश पूंजी कलेक्ट हुई वो भी अपने आप में विश्वास को प्रदर्शित करती है। हमारा हर प्रकार का सहयोग इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को रहेगा, खास तौर से जो प्राथमिक समितियां हैं उनके लिए भी, और जो कंप्यूटराइजेशन की बात हो रही है जिससे हमारी पारदर्शिता बढ़ेगी, कम खर्चीली व्यवस्था है और गतिशीलता भी बढ़ेगी। इसको जितना ज़्यादा अपग्रेड करें, और मेरा विशेष रूप से फोकस इस बात पर है कि कोऑपरेटिव उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ और बढ़ानी चाहिए, ताकि लोग समय समय के ऊपर जो प्राइवेट और महाजनों के पास जो पैसा जमा करते हैं उससे लोग बचकर हमारी सरकार का जो बैंक है कोऑपरेटिव बैंक उसमें उसके प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा, लोगों का विश्वास पहले से बढ़ा है और लोग उसी के माध्यम से अपनी बैंकिंग एक्टिविटीज़ की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ ही किसानों को जो लैंड डेवलपमेंट बैंक में लगातार कर्जे की बात हो रही है वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें लाभान्वित कर सकेंगे, उनकी शाखाओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।